एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडेस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट मीशो हॉल। सो मीशो से मैंने बहुत सारे आउटफिट्स पिक कर लिए हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्लीज़ शो सम आउटफिट्स जो कि सूटेबल होंगे फॉर द अपकमिंग फेस्टिवल्स, जैसे कि नवरात्रि आ रहे हैं तो स्पेशली उसके लिए आपको वीडियोस चाहिए थे। सो आई थॉट टू क्रिएट दिस वीडियो एंड बीइंग फ्रॉम मीशो मैंने बहुत सारे कलरफुल आउटफिट्स पिक किए हैं आपके लिए। जो भी कलर आपको लग रहा है कि आपको पिक करना है, यू कैन जस्ट पिक फ्रॉम दिस वीडियो। ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि कुछ तरह के वीडियोस देखने मिले, आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द फर्स्ट आउटफिट इज़ अ ब्यूटिफुल ऑरेंज कलर आउटफिट। इस पर ब्रांड नेम लिखा है क्लोफैब और साइज़ मैंने पिक किया है स्मॉल। सो दिस इज़ अ ऑरेंज कलर, प्रॉपर ऑरेंज कलर, और ओवरऑल आउटफिट मुझे बहुत सुंदर लगा। ये कुर्ता शरारा सेट है इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेस वर्क किया गया है। यू कैन सी द नेक एरिया, और इस तरह से शॉर्ट स्लीव्स प्रोवाइडेड है, उस पर प्रिंट किया गया है। ये जो फैब्रिक है ना, ये रेयॉन है, और इस पर इस तरह से प्रिंट किया है, गोल्डन प्रिंट, पोलका डॉट्स भी, और इस तरह से प्रिंट भी है। और यहाँ पर यू कैन सी इस तरह से यू नो बीड्स लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका लुक ओवरऑल। और ये ए लाइन कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता है, क्योंकि इसके साथ शरारा है तो इसलिए ये शॉर्ट कुर्ता दिया हुआ है। बट लुक एट द प्रिंट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस प्रिंट। सो पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ नीचे भी लेस वर्क है और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके साथ जो बॉटम है, इट इज़ अ शरारा, और इस तरह से यू कैन सी द इलास्टिक, और पूरा शरारा आप देख सकते हो, बहुत ही फ्लेरी है और बहुत ही ग्रेसफुल लुक आएगा पहनने के बाद। यहाँ नीचे भी लेस वर्क किया गया है, और जो प्रिंट आपको कुर्ते में मिल रहा है वही सेम प्रिंट आपको बॉटम में भी मिल रहा है। और फैब्रिक इसका भी रेयॉन है, विच इज़ वेरी सॉफ्ट, और पहनने के बाद इसका लुक बहुत सुंदर आ रहा है। इसके बाद इसके साथ जो है ना दुपट्टा भी प्रोवाइडेड है, सो इट इज़ इन शिफॉन फैब्रिक। यू कैन सी यहाँ पर इस तरह से लेस वर्क भी है, और फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, शिफॉन है, और लेंथ दुपट्टे की बहुत ज़्यादा है। सो जो अमाउंट आप पे कर रहे हो इस ओवरऑल कुर्ते सेट के लिए, इट इज़ वर्थ टू गो फॉर। सो डेफिनेटली आप अपने लिए ज़रूर पिक कर लेना। सो द नेक्स्ट आउटफिट इज़ दिस बांधनी कुर्ता सेट ओवरऑल। लुक एट द कलर, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। जैसे कि नवरात्रि के लिए स्पेशली मैंने सारे कलर्स पिक किए हैं ताकि आप डिफरेंट लगो, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कुर्ता सेट। सो जो कुर्ता है कुछ इस तरह से है, इट इज़ हैविंग अ बांधनी प्रिंट, पिंक बेस पर इस तरह से बांधनी प्रिंट है, वाइट बांधनी, विच इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। और यहाँ पर इस तरह से टाइप भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो इट इज़ लुकिंग नाइस ओवरऑल, और टैसल्स भी है। इसका जो फैब्रिक है ना, इट इज़ समवॉट लाइक रेयॉन, बट क्लोज टू कॉटन, नॉट रेयॉन एग्जैक्टली, बट बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, और इस तरह से स्लीव्स प्रोवाइडेड है, और यहाँ पर वाइट इस तरह से पाइपिंग दी हुई है। दिस इज़ एन ए लाइन कुर्ता, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज़ अनारकली कुर्ता, बिकॉज फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, और प्रिंट आप देख सकते हो ओवरऑल कुर्ते में इस तरह से प्रिंट दिया है, एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस लुक, प्रिंटेड लुक, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है फैब्रिक। मुझे इसका कुर्ता बहुत अच्छा लगा, फॉर फेस्टिवल्स यू कैन डेफिनेटली वेयर इट। और इसका जो बॉटम है, इट इज़ हैविंग स्ट्राइप्स, और इलास्टिक प्रोवाइडेड है, और स्ट्राइप्स दिए हुए, इट इज़ अ पैंट, और बहुत ही सुंदर फैब्रिक है इसका, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसके साथ जो दुपट्टा है, इट इज़ इन पिंक शेड अगेन, शिफॉन फैब्रिक है, और इस पर इस तरह से वाइट क्रोशिया लेस है। बट दिस फैब्रिक इज़ सीरियसली सो सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। सो इन केस यू वांट टू बाय, डेफिनेटली यू कैन पिक दिस आउटफिट फॉर योरसेल्फ। नवरात्रि के लिए भी आप इसे ज़रूर पिक कर सकते हो, इन केस यू वांट टू वेयर पिंक आउटफिट। तो नेक्स्ट इज़ एक्चुअली अ कुर्ती ड्रेस। मैं इसे कुर्ती ड्रेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो प्रिंट है, दिस इज़ एथनिक प्रिंट, एंड दिस गिव्स यू अ लुक ऑफ अ ड्रेस, बहुत ही सुंदर है, और पहनने के बाद बहुत ही क्लासी लुक आता है। यू कैन सी इट इज़ लाइक अ ड्रेस, और बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक है, सो टेक्स योर बॉडी शेप, और ये स्लीवलेस है आप देख सकते हो।
सो जो नेक एरिया है मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से है नेक एरिया एंड द स्लीव पोर्शन, इट इज़ लाइक दिस। और ये स्लीवलेस है, सो जो स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल है दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस आउटफिट, भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं मुझे स्लीवलेस पहनना बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरे पास इस तरह के आउटफिट्स भी होते हैं। और लेकिन इन बिटवीन ना क्या हो गया था ना, मुझे स्लीवलेस पहनने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेरी बॉडी पर एक्नेज और पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए थे, इवन आर्म्स पर, लेग्स पर, बैक पर। सो इससे क्या हो गया ना कि बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा जब भी मैं स्लीवलेस पहनती थी, और मुझे लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया था कि ये क्या है, ये स्पॉट कैसा है, मतलब जो आर्म्स पर दिखते थे। सो फिर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसके बाद मैंने स्लीवलेस पहनना बंद कर दिया एंड आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दोज एक्नेज एंड पिम्पल्स। मैंने बहुत रिसर्च किया एक्चुअली कि किस प्रोडक्ट को मैं यूज़ करूँ जिससे जो है ना ये सारे मार्क्स और पिंपल्स निकल जाए। और फिर मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक प्रोडक्ट मुझे मिला एंड इट इज़ डर्म डॉग 2% सैलिसिलिक एसिड। एक्चुअली ये बॉडी एक्ने ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है और इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस प्रोडक्ट। 2% सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक्सफोलिएट करता है आपके डेड स्किन सेल को एंड इट फाइट्स एक्ने विच इज़ कॉज्ड बाय स्वेटिंग। सो लेट मी शो यू वॉट आई वॉज फेसिंग एक्चुअली। सो आप देख सकते हो कि एक्ने के मार्क्स है हर जगह पर, छोटे छोटे बम्स है। सो ये सब चीज़ें जो है स्वेटिंग की वजह से ही होती है और ये ऑल ओवर बॉडी जो है हो चुका था। आप इवन रिस्ट पे भी देख सकते हो, इवन यू नो पैरों पर भी इस तरह से स्पॉट्स हो गए थे। एंड दिस प्रोडक्ट इज़ बीन यूज बाय मी फ्रॉम लास्ट 6 weeks और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। सो इस तरह से आपको बस स्प्रे करना है और इसे अच्छे से आपके स्किन पर जो है इसे स्प्रेड करना है इवनली। दिस प्रोडक्ट इज़ लाइट वेट, नॉन स्टिकी, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही कूल और सूदिंग है स्किन पर। हैसल फ्री स्प्रे दिया है जिससे बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करने के लिए अफेक्टेड एरिया पर। जैसे स्किन केयर इंपॉर्टेंट होती है वैसे बॉडी केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ लोशंस या जेल्स लगाना मतलब बॉडी की केयर करना है ऐसा नहीं है। एक्चुअली बॉडी को एक्सफोलिएशन की भी बहुत ज़रूरत होती है आपके डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए, ताकि आपको एक्ने फ्री और यू नो पिंपल फ्री स्किन मिले, स्मूथ स्किन मिले जिसका टेक्स्चर बहुत स्मूथ हो और प्रॉब्लम्स ना हो आपके स्किन पर। सो अगर आपको ये इशू है प्लीज़ यूज़ दिस प्रोडक्ट डर्म डॉग 2% सैलिसिलिक एसिड विच इज़ फॉर बॉडी एक्ने ट्रीटमेंट। ये पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री है, सल्फेट फ्री है, विच इज़ सेफ टू यूज़। दिस प्रोडक्ट इज़ फास्ट एक्शन एंटी एक्ने ट्रीटमेंट जो आपको रिजल्ट शो करेगा विद इन 8 weeks। सो बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है मैंने बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो द नेक्स्ट आउटफिट इज़ दिस ब्यूटिफुल शरारा सेट अगेन और इसका जो शेड है इट इज़ इन पर्पल कलर। आई लव द शेड डेफिनेटली। जो कलर आपको वीडियो में दिख रहा है वही कलर आपको मिल रहा है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कलर डेफिनेटली गो फॉर दिस आउटफिट। सेम ब्रांड है क्लोफैब और साइज़ मैंने स्मॉल पे किया है। प्रिंट इसका सेम है बट थोड़ा सा लुक डिफरेंट है। जैसे कि आपने ऑरेंज वाला देखा था उसमें यहाँ नेक में काम था, थोड़ा सा लेस वर्क था, बट यहाँ पर नहीं है। सो इसका नेक एरिया जो है, अपर पोर्शन जो है थोड़ा डिफरेंट है। सो इस तरह से वी नेक प्रोवाइडेड है एंड लुक एट द प्रिंट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और यहाँ पर इस तरह से 3/4 स्लीव्स दिए हुए हैं और लेस वर्क भी है, लुक एट द प्रिंट। फैब्रिक जो है इसका इट इज़ रेयॉन, सो बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है और लेंथ ऑब्वियसली कम है क्योंकि इसके साथ शरारा प्रोवाइडेड है। आई लव द वे इट इज़, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस लुक, प्रिंटेड लुक। इसके साथ जो शरारा है इट इज़ इन द सेम फैब्रिक सेम प्रिंट, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटिफुल है एंड लुक एट द फ्लेयर, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है और फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट, प्रिंट इज़ ऑल्सो गुड और इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है, सो वेरी कन्वीनियंट टू वेयर। मुझे इसका फैब्रिक लिटरली काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि रेयॉन फैब्रिक कभी कभी अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, विच एक्चुअली यू नो 2 या 3 वॉश के बाद वो ख़राब हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसके साथ जो दुपट्टा है इट इज़ इन शिफॉन फैब्रिक, सेम शेड है और यहाँ पर इस तरह से लेस वर्क किया गया है, गोल्डन लेस, बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है। सो डेफिनेटली यू कैन पिक दिस फॉर योर सेल्फ। ये कुर्ता सेट भी अभी अवेलेबल है, सो डेफिनेटली गो फॉर इट।
सो नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है इट इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल गुलमोहर जयपुर और साइज़ है इसमें स्मॉल. सो मैंने ब्लू आउटफिट भी रखा है इस वीडियो में विद द पर्पस कि अगर आपको ब्लू पहनना है तो आप ब्लू भी पहन सकते हो. सो लुक एट इट, इट इज़ सो ब्यूटिफुल और बांधनी यार फेस्टिवल्स के लिए बहुत सुंदर लगता है. सो डेफिनेटली कैन पिक दिस फॉर योरसेल्फ. और यहाँ पर जो नेक एरिया है यहाँ पर ऑफ वाइट शेड से जो है एम्ब्रॉयडरी की गई है. ओवरऑल लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. एम्ब्रॉयडरी की गई है ना ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी में है एंड द ब्रांड इज़ ऑब्वियसली गुलमोहर जयपुर, यू कैन ट्रस्ट द ब्रांड. 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है इस तरह से और आप प्रिंट देख सकते हो, यहाँ लेस वर्क भी है. सो ओवरऑल अ वेरी नाइस आउटफिट. पूरे कुर्ते पर इस तरह से प्रिंट मिल जाएगा, बांधनी प्रिंट. साइड कट इज़ प्रोवाइडेड, स्ट्रेट कुर्ता है एंड फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस प्रिंटेड लुक. और इसके साथ जो है स्कर्ट प्रोवाइडेड है, थोड़े क्रीसेस आई एम सॉरी बट पता है ये क्रश्ड फॉर्म में ही बहुत सुंदर लगता है पहनने में. और इस तरह से इलास्टिक प्रोवाइडेड है और यहाँ नीचे जो है इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक अटैच्ड है विद लेस वर्क. सो ये स्कर्ट है उसमें फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, सो पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आता है. फॉर नवरात्रि डेफिनेटली पिक दिस आउटफिट. अगर आपको ब्लू ऑप्शन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है, आई लव्ड इट. सो यस यू कैन पिक दिस फॉर योर सेल्फ. इसके बाद जो है मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाऊँगी. नाउ इट इज़ इन मेरून कलर एंड द ब्रांड नेम इज़ इशीन, येस एंड द साइज़ इज़ स्मॉल. एक्चुअली लव दिस शेड मरून और इस पर जो वर्क किया है ना ये बहुत ही ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया गया है. सो लुक एट इट, ये जो भी आप देख रहे हो दिस इज़ ऑल जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी. ओवरऑल यू कैन सी बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका लुक. एंड यहाँ नीचे आप देख सकते हो कि पूरे कुर्ते में इस तरह से बांधनी प्रिंट है. मुझे ये वर्क काफ़ी अच्छा लगा, ये जरी वर्क एम्ब्रॉयडरी और बीड्स भी है, सीक्वेंस का वर्क भी है एंड 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एम्ब्रॉयडरी है. सो इट इज़ नाइस ओवरऑल. साइड कट इज़ प्रोवाइडेड और यहाँ पर इस तरह से टैसल भी दिया हुआ है. इट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, दोनों साइड से प्रोवाइडेड है एंड फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस बांधनी लुक. सो डेफिनेटली गो फॉर दिस. साइड से आप देख रहे हो एम्ब्रॉयडरी जो की गई है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. विद दिस यू गेट अ स्कर्ट, सो इट इज़ इन कॉटन फैब्रिक और इलास्टिक प्रोवाइडेड है और यहाँ नीचे भी जो है इस तरह से बांधनी फैब्रिक अटैच किया गया है विच इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल. आप इसमें लेयर्स देख सकते हो, फ्लेयर बहुत ज़्यादा फ्लेयर है. सो ट्रियली यू नो कम्प्लीट्स द लुक, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेगा ये आउटफिट. सो इन केस यू वांट टू बाय दिस कलर आप ये वाला कलर भी जो है अपने लिए पिक कर सकते हो. तो नेक्स्ट जो आउटफिट है इट्स अ सिंपल कुर्ता सेट बट आई थॉट टू शो इट टू यू क्योंकि मैंने रिसीव कर लिया था इसलिए. और साइज़ जो है इसमें मैंने मीडियम चूज़ किया हुआ है क्योंकि स्मॉल साइज़ अवेलेबल नहीं होगा आई गेस इसीलिए. अदरवाइज आई ऑलवेज प्रेफर फॉर स्मॉल साइज़ ओनली. सो दिस इज़ अ कुर्ता. सो ये सिंपल सा मेरून कुर्ता है. इसका जो फैब्रिक है इट इज़ रेयन फैब्रिक, नॉट रेयन एग्जैक्टली बट कॉटन है ऑलमोस्ट. और यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से नेक प्रोवाइडेड है और स्ट्राइप्स दिए हुए हैं, गोल्डन स्ट्राइप्स. और स्ट्रेट कुर्ता है, साइड कट इज़ प्रोवाइडेड, 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर भी इस तरह से जरी वर्क है. सो पूरा कुर्ता जो है काफ़ी प्लेन है, सिर्फ नेक एरिया में और स्लीव्स में थोड़ा सा जरी वर्क है, जरी थ्रेड वर्क है. और पीछे से भी आपको इस तरह से प्लेन मिल जाएगा, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. इसके साथ जो बॉटम है ना ये प्रिंटेड है, सो वाइट बेस पर इस तरह से रेड प्रिंट किया गया है विच इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. और इलास्टिक प्रोवाइडेड, लेट मी चेक पॉकेट है या नहीं, पॉकेट इज़ नॉट प्रोवाइडेड. एंड दिस इज़ अ पैंट, सो यू कैन सी. सो इस पर इस तरह से प्रिंट दिया है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है. सो इन केस यू वांट टू गो फॉर दिस वन डेफिनेटली पिक कर लेना अपने लिए क्योंकि इस तरह के आउटफिट जल्दी देखने मिलते नहीं हैं. और जैसे कि थोड़ा डिफरेंट प्रिंट है, मतलब
इसका जो कुर्ता है ये प्लेन है और प्रिंटेड बॉटम है, तो थोड़ा डिफरेंट लुक है. सो डेफिनेटली आप ये आउटफिट भी अपने लिए पिक कर सकते हो. सो कैसा लगा ओवरऑल वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. इसमें से कोई भी अगर आपको आउटफिट पसंद आ रहा है तो आप पिक कर सकते हो अपने लिए. और जो मैंने पहना हुआ है अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इसका भी मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो. सो हाउ वॉज द वीडियो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू इट. और सब्सक्राइब कर देना चैनल को विद नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट टू सी मोर वीडियोज. सो यस टू टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर.